जी कैसे हो आप लोग। सो दिस इज चंदन सिंह, आ गया हूँ एक और वीडियो आपके लिए लेकर। सो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कैप साइज के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि कैप्स को किस तरीके से स्टाइल करना है, किस तरीके से पहनना है और कौन सी कैप लेनी है। तो वो वीडियो जिसने नहीं देखी और जो कैप पहनने का बहुत ज्यादा शौकीन है, बहुत ज्यादा कैप पसंद करता है, तो वो ये वीडियो जल्दी से देख ले जाकर। और आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ टर्टल नेक की जो टी शर्ट है, जो वूलन टी शर्ट होती है टर्टल नेक की, वो क्यों इतना ज्यादा चल रही हैं और क्या वजह है उनकी इतना ज्यादा चलने की, और इतना ज्यादा वो एलिगेंट क्यों लगती है या फिर आपको क्यों लेनी चाहिए। तो वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, बिकॉज टर्टल नेक की टी शर्ट इसमें बहुत ज्यादा चल रही है। और जो नहीं जानता है टर्टल नेक की टी शर्ट होती क्या है, तो वो कुछ इस तरह की होती है जो कि हमारी नेक पर पूरी तरह से कवर करती है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वो क्यों इतना ज्यादा ट्रेंड में है। तो जी कुछ इस तरह की होती है टर्टल नेक टी शर्ट। और अब हम बात करेंगे इसके सेक्सीएस्ट लुक के बारे में, कि इसका सेक्सीएस्ट लुक हमेशा क्यों बना रहता है। अब देखिए, अगर आप एक ऑर्डिनरी टी शर्ट की जगह एक टर्टल नेक टी शर्ट पहनते हो, तो उसमें आपकी पर्सनैलिटी जो है भाई, एक मेच्योर पर्सनैलिटी सामने आएगी, एक एलिगेंट पर्सनैलिटी लोगों के सामने आपकी आने वाली है। तो इसीलिए जो है टर्टल नेक टी शर्ट बहुत ज्यादा चल रही है। दूसरी बात, ये गर्ल्स को भी बहुत ज्यादा पसंद आती है, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है अगर आप पहनते हो। आपकी हेल्दी पर्सनैलिटी है, फिट पर्सनैलिटी है, आप उसको पहन के निकलते हो तो इवन गर्ल्स आपको नोटिस जरूर करेंगी। और नॉट ओनली गर्ल्स बट अदर लोग, दूसरे लोग भी इसको जरूर पसंद करेंगे। तो यही बेटर है कि इसका लुक जो है हमेशा सेक्सीएस्ट लगता है, कोई भी इसको पहनता है बहुत ज्यादा बेटर लगता है टर्टल नेक टी शर्ट। इसका दूसरा बेनिफिट तुम्हें पता है कि क्या है, कि अगर तुम चाहते हो कि अपने टू पीस को शर्ट के साथ ना पहन के टी शर्ट के साथ पहना जाए, तो जो नॉर्मल टी शर्ट होती हैं उसके साथ इसको बिल्कुल भी पेयर नहीं कर पाओगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जब भी आप टर्टल नेक टी शर्ट लेते हो तो इसको आप अपने टू पीस के साथ जरूर लेयर कर सकते हो, कोई मैटर नहीं है। बहुत ज्यादा बेटर पर्सनैलिटी आपकी आएगी जब आप इसको टू पीस के साथ पहनोगे। और नॉट इवन टू पीस, आप इसको डेनिम जैकेट के साथ लेयर कर सकते हो, लेदर जैकेट्स के साथ लेयर कर सकते हो, इवन आप शर्ट के साथ भी लेयर कर सकते हो, तो बहुत ज्यादा उसमें भी अच्छी पर्सनैलिटी आती है। आप चाहते हो किसी फंक्शन में आपको अलग दिखना है, थोड़ा सा एलिगेंट लगना है, तो आप टू पीस को टर्टल नेक के साथ जरूर पेयर करके देख सकते हो और बहुत सारे लोग आपको नोटिस जरूर करेंगे। तो तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मेरी अगर हाइट कम है या फिर मेरी हाइट ज्यादा है तो मैं इसको पहन सकता हूँ कि नहीं। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि आगे यार आपकी हाइट शॉर्ट है या आपकी हाइट टॉल है, तो आप जरूर इस टी शर्ट को पहन सकते हो, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं है। और दूसरी बात, आप मैंने आपको ये बताया था कि जो भी आप चाहना पहनना चाह रहे हो उसको कॉन्फिडेंट के साथ पहनो तो ज्यादा बेटर रहेगा, उस बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग इस टी शर्ट को नहीं पहन सकते हैं, जिनकी थोड़ी सी चबी पर्सनैलिटी है, तो वो लोग भाई इस टी शर्ट को ना पहने, बिकॉज उनके ऊपर जो है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये हमारी नेक को जो है कवर करती है और चबी लोगों के ऊपर ये टी शर्ट अच्छी नहीं लगेगी उसी वजह से। तो प्लीज वो लोग अगर इस टी शर्ट को ना पहने तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन बाकी हर टाइप के लोग इसको पहन सकते हैं, बहुत ज्यादा सेक्सीएस्ट लुक आपको देगी। चेल्सी बूट्स के बारे में तो आपको जानते ही होंगे कि मैंने बहुत बार आपको बताया है, तो चेल्सी बूट के साथ ये वाली टी शर्ट जब भी आप मिक्सअप करते हो तो भाई बहुत ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी आपकी आने वाली है। विंटर्स में चाहो तो आप उसके ऊपर लॉन्ग कोट को भी पहन सकते हो। टर्टल नेक टी शर्ट भाई चेल्सी बूट्स के साथ बहुत ज्यादा एलिगेंट लुक देती हैं। आप इस फोटो में देख लीजिए, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। इवन आप किसी और शूज के साथ पहनो, स्नीकर्स के साथ पहनो तो वो वाली बात नहीं आएगी, लेकिन जहां पर आप इसको चेल्सी बूट्स के साथ पहनते हो तो बहुत ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी आपको मिलेगी। तो आप ये चीज जरूर ट्राई करें चेल्सी बूट्स के साथ, और चाहे तो नॉर्मल बूट्स के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन चेल्सी बूट्स वाली बात जो है वो केवल उसमें ही आएगी, तो उसके साथ आप जरूर इसको ट्राई करें। तो भाई वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं जब भी अपनी न्यू वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर
कर देना। तो एक चीज आपको और क्लियर कर दूं कि जब भी आप मार्केट में टर्टल नेक टी शर्ट लेने जाओ तो टू टाइप्स की जो है इस तरह की टी शर्ट आती है, जो कि एक हाई नेक पर होती है और एक शॉर्ट नेक पर होती है। तो अकॉर्डिंग टू मी कि हाई नेक जो है वो बहुत ज्यादा नहीं चल रही है, तो आपको जरूरत नहीं है उसको खरीदने की। लेकिन शॉर्ट नेक भाई बहुत ज्यादा फार तरीके से चल रही है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो शॉर्ट नेक की टी शर्ट आपको लेनी है, आप मार्केट में जाओ, क्योंकि आपको सामने हो सकता है कि दोनों टाइप की दिखा दी जाए या फिर केवल हाई नेक दिखाई जाए, तो आप उसी को लेकर आ जाओ। लेकिन वो आपको नहीं लेनी है। टू टाइप्स की टी शर्ट चल रही है जिसमें आपको शॉर्ट नेक की टर्टल नेक टी शर्ट लेनी है, और वही आपको सेक्सीएस्ट लुक देगी जिससे सभी लोग आपको नोटिस करेंगे।